हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन 80 को। हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस के टॉपिक में सेक्शन 76, 77, 78 और 79 कवर कर लिया था, तो आज हम लोग सेक्शन 80 को समझेंगे। ये सेक्शन 80 कहता है कि कोई भी चीज अपराध नहीं है अगर वो किसी दुर्घटना से या किसी दुर्भाग्य की वजह से हुई है। यानी कोई भी चीज अपराध नहीं होगी अगर वो किसी दुर्घटना के वजह से हुई है या किसी दुर्भाग्य के वजह से हुई है और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के। कोई विधि पूर्ण कार्य करने में, कोई लॉफुल काम करने में, लॉफुल मैनर में, लॉफुल मींस से, और आपने उसको करने के लिए प्रॉपर केयर ली हो, यानी आपने सावधानी बरती हो उसको करने के लिए, प्रॉपर केयर लिया हो। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज को हम लोग ऑफेंस नहीं कहेंगे, अपराध नहीं कहेंगे, अगर उस चीज वो चीज किसी एक्सीडेंट के वजह से हो जाती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके वजह से वो हो गई, या कोई मिसफॉर्च्यून हो गया जिसके वजह से वो चीज हो गई और उसको करने के लिए हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, ना हमें उस चीज की नॉलेज थी, ना हमने उस चीज को करने के लिए प्लान किया था, बस वो एक्सीडेंट की तरह हो गई और हम जो कार्य कर रहे थे वो एक लॉफुल था, विधि पूर्ण कार्य था, वो लॉफुल था, लॉफुल मैनर में कर रहे थे, लॉफुल मींस से कर रहे थे और हमने प्रॉपर केयर बरती हुई थी उसको करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक जगह एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, उसने अपने आसपास सब जगह देख लिया कि कोई खड़ा नहीं है आसपास, वो अपना ले जाके दूर एक जगह पे लकड़ी काटने लगा जहां पे उसको लगा कि ये सेफ है, यहां पे किसी को नुकसान नहीं होगा। अब उसने पूरी सावधानी बरती, लेकिन ऐसा एक कोई पीछे से व्यक्ति धीमे 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 चलता चलता चला आया, वो उसके कान तक आवाज नहीं गई और वो पीछे आके खड़ा हो गया। जब उसने एक बार कुल्हाड़ी ऐसे उठाई तो जो उसका लोहा था कुल्हाड़ी का, जिसका वो जो थेट था उसका, वो जाके उसके सर पे पड़ गया और वो आदमी मर गया। तो यहां पे जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा था उसको इस धारा की, सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि क्या उसने क्या किया, उसने एक लॉफुल काम कर रहा था, लॉफुल मीन से कर रहा था, उसने प्रॉपर केयर भी बरती हुई थी और उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी किसी की हत्या करने की, ना उसको इस चीज की नॉलेज थी कि कोई पीछे से आ गया, बस वो काम कर रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वो उसका हेड निकला और जाके एक को लग गया, वो मर गया। तो पूरी इस इलस्ट्रेशन से आपको सेक्शन 80 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ थोड़े बहुत केसेस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जैसे एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून के अंदर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकलिटीज की देख लेते हैं। जैसे एक्सीडेंट जब होता है कि जब किसी सामने वाले का नुकसान हो जाता है, लेकिन मिसफॉर्च्यून जब होता है उस सिचुएशन को बोलते हैं जिसमें मेरा भी नुकसान हो गया है, उसका भी नुकसान हो गया है। जैसे एक केस था जागेश्वर वर्सेस एम्परर का। अब हम बताते हैं कि जैसे इसके अंदर जो टर्म इस्तेमाल हुए हैं कि कोई आप काम जो कर रहे हो वो लॉफुल तरीके से कर रहे हो, विधिपूर्ण तरीके से कर रहे हो, लॉफुल मैनर में हो, लॉफुल मीन से कर रहे हो आप। अब जैसे एक केस था जागेश्वर वर्सेस एम्परर का, इसके अंदर दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता रहता है, तो जिसको जो मार खा रहा होता है अचानक से उसकी बीवी आ जाती है छुड़ाने के लिए, उसके गोद में उसका बच्चा होता है, जो मार रहा होता है उसका घूंसा जो है जाके उसके बच्चे को पड़ जाता है, उसका बच्चे को जैसे ही पड़ता है उसका बच्चा मर जाता है। तो वो व्यक्ति जो है इस धारा की प्रोटेक्शन लेता है सेक्शन 80 की, कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन कोर्ट ने उसके इस डिफेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कार्य वो कर रहा था वो विधि पूर्ण नहीं था, लॉफुल नहीं था, नॉन लॉफुल मैनर में कर रहा था, नॉन लॉफुल मीन से कर रहा था, तो यहां पे उसको इसकी प्रोटेक्शन नहीं मिली जो डिफेंस वो ले रहा था। एक केस और था, इस केस के अंदर क्या हुआ, ये केस था स्टेट वर्सेस रंगा स्वामी का, 1952 का। इस केस के अंदर क्या हुआ कि दो लोग जाते हैं एक जंगल में, ए और बी जाते हैं जंगल के अंदर कि जो जंगली चूहे हैं उनको मारना है, मारने के लिए, कि वो बहुत परेशान करे हुए हैं। तो ये लोग अपनी अपनी जगह ले लेते हैं कि उसको मारना है, और ए जो है वो निशाना लगाता है उसके ऊपर, रैट के ऊपर, और वो चूहा, एक चूहा क्या, उसको ऐसा लगता है कि किसी झाड़ी के पीछे लगता है चूहा आ गया है, वो उस झाड़ी की तरफ गोली चलाता है, और उधर झाड़ी के पीछे जो है बी होता है, वही जो उसके साथ जो व्यक्ति गया होता है साथ में उसको मारने के लिए, उसको गोली लग जाती है। तो अब उसको इस जगह पे सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल गई, हालांकि उसकी जो बंदूक थी वो बिना लाइसेंस की थी। तो यहां पे ये कहा गया कि जो उसकी बंदूक की लाइसेंस नहीं था,
तो यहां पे जो बिना लाइसेंस के बंदूक रखना है उसका कानून उसके ऊपर लागू होगा, ना कि हत्या करने के अंदर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। अब जैसे कोई लॉफुल काम करने में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भी उसको सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है अपने घर में ताला वाला लगा के ताला घर से बाहर जाता है, जब घर के आके लौट के देखता है तो ताला टूटा रहता है और एक अंदर आदमी घुस जाता है। वो उस व्यक्ति से कहता है कि निकलो बाहर, तो जो ट्रेस्पासर होता है घर के अंदर घुस जाता है वो नहीं निकलता है। ये गुस्से में जाके उसको एक घूंसा मार देता है, एक घूंसा मारता है और एक घूंसा मारता है तो इस तरीके से मारता है उसको घूंसा कि उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जनरली में कि कोई भी एक घूंसे में कोई आदमी नहीं मर सकता है, तो यहां पे उसने मारा, जो उसका एक्ट था वो बिल्कुल लॉफुल था, लेकिन उसकी डेथ हो गई, ये मिसफॉर्च्यून हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। तो अब यहां पे उसको सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल गई। अब जैसे एक केस और था टुंडा वर्सेस स्टेट का, इस केस के अंदर क्या हुआ कि दो लड़के जो थे उन वो अक्सर आपस में रेसलिंग लड़ते थे, तो उन दोनों ने एक बार रेसलिंग लड़ना शुरू करा, उसमें से ए ने बी को उठा के इस तरीके से फेंका कि बी का सर जाके एक चबूतरे से लड़ गया। चबूतरे से लड़ने की वजह से उसका सर फ्रैक्चर हो गया, बाद में उसकी डेथ हो गई। उस शख्स को जो लड़ रहा था रेसलिंग, जिसने फेंका था, उसको सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल गई, क्योंकि यहां पे दोनों की सहमति से दोनों लड़ रहे थे, उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी और ये दोनों की सहमति थी कि वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए लड़ाई कर रहे थे। ये केस था टुंडा वर्सेस स्टेट का। तो ये हम लोगों का सेक्शन 80 कवर हो गया। और एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो क्रिमिनल लॉ होता है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है, जो कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस है, वो लागू नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने टॉर्ट में पढ़ा होगा, टॉर्ट में पढ़ा होगा आपने कि कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस टॉर्ट के अंदर लागू हो जाता है, लेकिन इसके अंदर लागू नहीं होता है। तो ये हम लोगों का सेक्शन 80 कवर हो गया। उसके बाद अब हम लोग आगे के सेक्शन को कवर करेंगे।